This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world's largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. Assalamualaikum everyone, this is me Seez Mazgalani aur aap dekh rahe hain YouTube channel Maz Electronics. Dosto, aaj ki video bahut hi kamal ki hone wali hai, kyunki aaj ki video mein ek aise product leke aaya hoon jiske zariye aapke jo hai ghar mein bahut zyada khushiyan aane wali hain, kyunki ye product ek aisi product hai jiske zariye aap jo hai bagair paise kharch kiye apne ghar ki cheeze chala sakte hain. Ji haan dosto, sabse pehle main ye bata dun ki ghar market mein ek aisi cheeze mil rahi hoti hain jo ki 1000 watt inverter, 2000 watt, 3000, 4000 watt inverter, ye sare inverter jo mil rahe hote hain, ye mil rahe hote hain बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर, यानी कि इनके साथ सोलर भी लगेगा, बैटरी भी लगेगी, वापस भी कनेक्ट होगी, फिर जाके जो है आप अपने घर का लोड चला सकते हैं. लेकिन आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही कमाल का इन्वर्टर. ये इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके लिए ना आपको बैटरी की जरूरत है, ना किसी वापडा की जरूरत है. आपने सिर्फ अपनी सोलर प्लेट की वायर इसके साथ कनेक्ट करनी है, इसने आपको एसी करंट दे देना है जिसके ऊपर आप पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी हर चीज चला सकते हैं. तो ये 4000 वाट का दोस्तों इन्वर्टर अभी मैंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, और मेरा टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है. मैंने कहा कि आप सब दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए. इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्योर साइन वेव में है. जी हाँ दोस्तों, प्योर साइन वेव में. बहुत से लोग कहेंगे भाई तरह से इन्वर्टर कहाँ से प्योर साइन वेव आ गया, तो मैं इस वीडियो में टोटल डिटेल बताने वाला हूँ. सबसे पहले कि किस तरह मैंने बनाया है, क्या क्या सामान इस्तेमाल किया है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, वो भी मैं बताऊँगा. तो आज के इन्वर्टर की जो पीसीबी है वो हमें भेजिए दोस्तों जेएलसी पीसीबी की तरफ से. तो जेएलसी एक आपको पता चाइनीज कंपनी जो मुख्तलिफ किस्म की पीसीबीज बनाती है, उन्होंने भेजी है हमें काफ़ी सारी पीसीबीज. तो ये इस इन्वर्टर की काफ़ी सारी पीसीबीज हैं जो हमने खुद डिज़ाइन किया है. ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी इसकी पीसीबीज हैं. और अगर आप में से किसी के हो ये पीसीबी चाहिए, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं. बाकी अगर आप कोई भी पीसीबी बनवाना चाहते हैं जीएलसी पीसीबी से बनवा सकते हैं. तो आज की वीडियो में होने वाली है इस इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग, के किस तरह मैंने इसको बनाया है, इसको टेस्ट करेंगे, इसको चला के चेक करेंगे कि किस तरह काम करता है. तो अगर तो आप ऐसी प्रोडक्ट के इंतज़ार में थे कि जिसके अंदर बैटरी ना लगे, सिर्फ बगैर बैटरी आपके घर का लोड चले, तो ये आ चुकी है वो प्रोडक्ट प्योर साइन वेव में. तो इस वीडियो को बड़ी मेहनत हुई है, इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है. आप लोगों ने सिर्फ करना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ मैं नहीं मांग रहा. उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ किस तरह आपने इसको बनाना है. तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को करते हैं शुरू. So guys, first of all I show you how to order your PCB from jlcpcb.com. You have to go at jlcpcb website and you can see that you can press this instant quote now button, and here is the page of where you can check your PCB parameters like dimensions, layers and PCB quantities and other parameter you will add according to your need. And after you done, you can add your gerber file. And after gerber file you can add your shipping address and save to cart. When you save to cart your PCB, you can secure to check out from this website. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, एक हफ्ते बाद ही पीसीबियां मेरे पास आ चुकी थी. और आप देख सकते हैं पीसीबी का है ये बॉक्स, जो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स. और अनबॉक्स करते हैं अंदर से निकलती पीसीबीज कुछ जो है एक हैप्पी का कुछ कार्ड निकलता है, जीएलसी पीसीबी के कुछ जो है ईमेल्स वगैरह लिखे हैं कि मेम्बरशिप कार्ड है इनका, तो इसको आप देख सकते हैं. उसके बाद हम जल्दी से अपनी पीसीबीज को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं आखिर पीसीबीज के अंदर से क्या क्या जो है क्वालिटी की पीसीबी हमारी निकलती है, और टोटल कितनी पीसीबी हैं. ये टोटल दोस्तों हमें जो भेजी हैं जीएलसी पीसीबी ने 20 पीसीबीज भेजी हैं, और आप देख सकते हैं कितनी कमाल की क्वालिटी है. और ये हाथ से भी नहीं टूट सकती क्योंकि फाइबर शीट की बनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत पीसीबीज होती हैं. क्वालिटी आप देख सकते हैं कितने कमाल का, ऊपर 380 वोल्ट से 220 वोल्ट, 4000 वाट, मेड बाय माज इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएलसी पीसीबी का लोगो वगैरह लगा हुआ है. तो ये आप सब चीज़ें अपने डिज़ाइनिंग के अंदर आप कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. बाकी क्वालिटी की बात की जाए तो भाई इसके अंदर 100% टॉप क्वालिटी पीसीबीज यहाँ पर मिलती है. तो अब बारी आ चुकी है अपनी पीसीबी को असेंबल करने की. असेंबल करने के लिए हमें जो है कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर मैं कुछ डायोड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि FR107 है, कुछ डायोड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ रेजिस्टेंस हैं, शंट रेजिस्टेंस हैं जो कि 0.01 किलो ओम में है 5 वाट के अंदर, दो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ. उसके बाद कुछ
फ्यूज के होल्डर हैं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ कैपेसिटर्स हैं वह 104 UF के, और उसके बाद 747 UF के, 470 UF के कुछ कैपेसिटर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें, 8050 का ट्रांसिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वेरिएबल है 10K की, 10K की भी छोटी रेजिस्टेंस हैं, और एक बड़ा कैपेसिटर है जो कि 220 UF 450 वोल्ट के अंदर है। उसके बाद जो इसके अंदर ट्रांसिस्टर वगैरह इस्तेमाल करने हैं बड़े साइज़ के, वो भी हमने हैवी ड्यूटी इस्तेमाल करने हैं कम से कम 75 एम्पीयर तक के, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सके। तो इसके अंदर आप अगर कम लोड वाला बनाना चाह रहे हैं तो हल्के ट्रांसिस्टर यानी कि कम एम्पीयर के ट्रांसिस्टर लगा लें, अगर ज़्यादा जो है वाट वाला बनाना चाह रहे हैं ये इन्वर्टर तो आप अच्छे जो है ट्रांसिस्टर लगा सकते हैं। बाकी इसके जितने भी कंपोनेंट्स पीसीबी में बने हुए हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, आप उसके मुताबिक सारे कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं, कुछ कैपेसिटर्स वगैरह है, और उसके बाद कुछ एंड में इसके इंडक्टर कॉइल्स वगैरह लगा लेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इन्वर्टर में जो इसको अच्छा बनाती है वो है इसकी क्वालिटी, क्योंकि अगर क्वालिटी आपके पीसीबी की अच्छी नहीं होगी, आप एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर या अच्छी क्वालिटी की कोई भी प्रोडक्ट आप अपने पीसीबी पे डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी पीसीबी जब तक नहीं होगी आपके पास आप अच्छी जो है प्रोडक्ट जो है नहीं बना सकते। तो अच्छी पीसीबी होने के लिए अच्छी जो है सर्किट भी होना चाहिए। तो सर्किट के लिए आप देख सकते हैं ये EGS002 जो है प्योर साइन वेव का मॉड्यूल है जो हमारे ट्रांसिस्टर को ड्राइव देगा, इसके अलावा हमें जो है कोई और मॉड्यूल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वाहिद एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके ज़रिए आप कोई भी इन्वर्टर प्योर साइन वेव में बना सकते हैं। और ये टोटल जो टेक्नोलॉजी है ये एच ब्रिज टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आप 300 वोल्ट 380 वोल्ट जो है DC इन करते हैं और 220 वोल्ट AC आउट लेते हैं। फ्रिक्वेंसी जो है आपका EGS002 जो है स्टेबल कर रखता है, जो कि 50 हर्ट्ज पे होती है। अभी मैं इसके साथ बड़े डायोड्स लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि इसके ऊपर फिट आ जाए जब हम इसे DC पे यूज़ करें, लेकिन आप इसके साथ छोटा ब्रिज भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने छोटे पे ही कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं आपको छोटे ब्रिज भी 220 पे चेक करवा सकूँ। अगर आपने सोलर पे डायरेक्ट चेक कराना तो आपको बड़े ब्रिज रेक्टिफायर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद इसके साथ हीट सिंक वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीट सिंक नहीं होगा आपके जितने भी FATs हैं वो जल सकते हैं, ओवर हीट हो गए, तो गर्मी है आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हीट सिंक बहुत ज़रूरी है। हीट सिंक के साथ फ़ैन लगा लें, और फ़ैन इसका ऑटो होता है, जब हीट सिंक फुल गर्म हो जाएगा तब ही फ़ैन चलेगा, वरना बिला वजह फ़ैन नहीं चलता। आजकल जितने नए इन्वर्टर आ रहे हैं उनके यही चीज़ होती है कि सेंसर वाले फ़ैन होते हैं, जैसे ही जो है इन्वर्टर गर्म होना स्टार्ट होता है फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारा मुकम्मल हो चुका है जी, इन्वर्टर चेक करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हो चुका है जी कंप्लीट सर्किट, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मुकम्मल जो है सामान लग चुका है, ट्रांसिस्टर रेजिस्टेंस से सब चीज़ें लग सकती है। खास तौर पे इस सर्किट के अंदर मैंने एक स्पेशल मीटर भी लगाया है ताकि आप लोगों को वोल्टेज एम्पेयर फ्रिक्वेंसी सब चीज़ें इसके अंदर मिलती रहें। तो अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ये हम किस तरह मान लें ये प्योर साइन वेव है। भाई प्योर साइन वेव को टेस्ट करने के लिए स्पेशल जो है ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपको प्योर साइन वेव के बारे में पता चले, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको प्योर साइन वेव इसकी चेक नहीं करा सकता। लेकिन उस चीज के मुतबादल में आपको एक चीज ये कह सकता हूं, जो इसके अंदर मैंने ये मॉड्यूल लगाया हुआ है इसका नंबर है EGS002। इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ लें, ये किस तरह का मॉड्यूल है, क्या मॉड्यूल है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब कुछ आपको इंटरनेट बता देगा। क्योंकि ये स्पेशल जो मॉड्यूल है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये स्पेशल मॉड्यूल सिर्फ प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, और इस मॉड्यूल के जरिए आप ही प्योर साइन वेव कोई भी इन्वर्टर बना सकते हैं। इस मॉड्यूल के अलावा आप कोई और प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं बना सकते, क्योंकि स्पेशली मॉड्यूल है जो कि डिज़ाइन हुआ है प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स के लिए। तो मैंने अपने इन्वर्टर में ये मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है ताकि मैं अपने जो है व्यूअर्स के लिए एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का बना सकूं। आप देख सकते हैं इसके अंदर सब सामान लग चुका है, फैन वगैरह, हीट सिंक वगैरह, सब कुछ A to Z मुकम्मल रेडी है। अब आप लोग कहेंगे भाई इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, वो मैं बताया। तो भाई इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर आपको 4 पोर्ट मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर DC वोल्टेज इन करने होते हैं। आप इसके ऊपर मैक्सिमम 400 वोल्ट तक इन कर सकते हैं DC। यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है जिससे आप अपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और टर्मिनल जहाँ पर आपको 12 वोल्ट देने हैं ताकि ये मॉड्यूल पावर हो सके। उसके बाद यहाँ पर आपके आउटपुट की पोर्ट मिलती है जहाँ पर आपको AC 220 वोल्ट मिलता है। ये सेम चीज़ आपको हमारी PCB पे भी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इन आउट सब कुछ दिख रहा होगा, और ये PCB का लिंक भी मैं दे दूंगा
या आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता करना, मैं आपको ये पीसीबियाँ दे दूंगा। और अगर किसी भाई को ये मुकम्मल बना हुआ ये वाला सेम सैंपल चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं ये सेम सैंपल उन्हें दे दूंगा एज अ सैंपल टेस्टिंग के लिए, ताकि वो अपने टेस्टिंग इसके ऊपर कर सकें, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट करवाने के लिए अभी मैं सिर्फ वक्त जो है अभी वापडा के ऊपर इसको टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वापडा एसी दूंगा। हमने जो है इसके ऊपर लगाया हुआ एक ब्रिज रेक्टिफायर, ताकि हम वापडा एसी 220 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर सकें, फिर डीसी वोल्ट हमारे इस इन्वर्टर के अंदर कन्वर्ट होकर जो है एसी 220 वोल्ट में बनेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़ प्योर साइन वेव। तो सब चीजें आपको दिखाऊंगा किस तरह मैं कर रहा हूँ, सब कुछ ए टू जेड आपके सामने होगा। तो जल्दी जल्दी मैं इसके साथ वायर्स कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने जो टोटल सेटअप कर लिया टेस्ट करवाने के लिए आप सब दोस्तों को। तो यहाँ पर मैंने एक और एक मीटर लगाया हुआ है ताकि मुझे यहाँ पर डीसी वोल्टेज का पता चले। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी के ऊपर ये सिलेक्ट है मीटर, 300 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। यहाँ पर एक आउटपुट पे मैंने एसी का मीटर लगाया हुआ ताकि एसी वोल्टेज का भी हमें पता चलता रहे। बीच में एक छोटा मीटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वोल्टेज वगैरह वो कितने दे रहा है, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक सॉकेट लगा दिया ताकि हम इसके ऊपर लोड चला सकें। अभी मैं इसको करता हूँ पावर ऑन। तो जैसे मैं पावर ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 212 वोल्टेज जो है अभी हमारे एसी के आ रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं 220 ही, उसको डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज 300 पे चले गए हैं और फिर वोल्टेज हमारे जो है कन्वर्ट होकर एसी में दोबारा हमें मिल रहे हैं जी 12 वोल्ट के अंदर। तो ये एसी मीटर है और एसी के ऊपर ही हमारे वोल्टेज शो करा रहा है, आप देख सकते हैं एसी के ऊपर सिलेक्ट है, इसमें कोई जो है फेकनेस नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। बहुत से लोग ये भी समझेंगे शायद माधव ने फेक करके दिखाया, तो जिसको यकीन नहीं आता वो मेरे पास आके यहाँ पर चेक कर सकता है। अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर टेस्ट करने की लोड। तो लोड टेस्ट करने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की जो है एक दो चीज़ें हैं जो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास ये जूसर ग्राइंडर, इसको टेस्ट करते हैं आखिर ये जो है इसके ऊपर चलता है नहीं। ये भी 400-500 वाट की है, इसको हमने टेस्ट करना है और इसको मैंने इसके यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद इसका ये जो है जग इसके ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ा डाल लेते हैं ताकि हमें मिक्सिंग करते हुए ये पता चले कि आखिर हमारा लोड सही उठ रहा है या नहीं। चलिए जी, मैंने इसको भी लगा दिया और अब इसका स्विच आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही है आप देख सकते हैं स्विच की तार है, ये मैंने ऊपर ही रख दिया है और ये डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर से आ रही है। और मैंने अब इसको क्योंकि चलाना है, चला के चेक करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको चलाने से पहले मैं जो हूँ आपको यहाँ पर इन्वर्टर इसकी इन्फॉर्मेशन इसके मीटर भी दिखा दूँ। इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके मीटर के ऊपर जो आ रही है 220 वोल्ट आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ आ रही है, 120 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। टेम्परेचर ये जो है तकरीबन सही नहीं शो करता क्योंकि उसके लिए थर्मिस्टर लगाना पड़ता है। अम्पेयर अभी जीरो है क्योंकि कोई भी चीज़ चल नहीं रही और सारी सेम टू सेम मैंने लगाया हुआ। ये डीसी वोल्टेज आ चुके हैं, ये एसी वोल्टेज आ रहे हैं और साथ में हमारा ये पड़ा है जी जूसर। तो अब बारी आ चुकी है जूसर को चलाने की, तो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऑन। तो लीजिए जी, मैंने कर दिया ऑन, अब इसको चलाते हैं जी बिस्मिल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर ने इसके ऊपर चला दिया है जी जूसर मशीन और सारी जूसर मशीन इसके ऊपर चल रही है। वहाँ वोल्टेज में वेरिएशन हो रही है, तो वोल्टेज 207 के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर एम्पीयर भी छोटे मीटर के अंदर जो है मुझे शो हो गए हैं। और आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन तरीके से जो है जूसर मशीन इसके ऊपर चल रही है। दोबारा चला के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं जैसी वोल्टेज मशीन चलती है वोल्टेज थोड़े से नीचे आ जाते हैं, 220 219 से 207 पे आ जाते हैं और हमारी जूसर मशीन ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अब आपके सामने इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है, टोटली रियल आपको इन्वर्टर चेक करवाया जा रहा है। तो लीजिए दोस्तों, अभी हमने जूसर ग्राइंडर को टेस्ट कर लिया, अब बारी आ चुकी है दूसरी आइटम को टेस्ट करने की। दूसरी आइटम है मेरे पास ये ड्रिल, क्योंकि मैंने पिछले छोटे इन्वर्टर के अंदर भी ड्रिल चला के दिखाई थी और इसके ऊपर भी ये ड्रिल मशीन चला के दिखा रहा हूँ। इसके वाटेज भी आपको दिखा दो मैक्सिमम कितने वाट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 500 वाट की ड्रिल जो है मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ। बाकी आप इसके ऊपर दो से आप मैक्सिमम जो है ना मैं कहूँगा इसके ऊपर 2500-3000 वाट तक का लोड डालें, पूरा 4000 वाट ना डालें ताकि ये हीट ना हो। 2500-3000 वाट तक का लोड डालेंगे ये बेहतरीन चलता रहेगा, बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसकी वायर लगा ली, आप देख सकते हैं सारी वायर आपके पास रख दी है। वोल्टेज जीरो है क्योंकि मैंने इसको बंद किया हुआ है। अब मैं इसको कर लेता हूँ ऑन। तो लीजिए जी, कर दिया इसको पावर ऑन। यहाँ पर वोल्टेज आ चुके हैं, यहाँ पर आउटपुट पे वोल्टेज आ चुके हैं 210 वोल्ट, इनपुट पे 300 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, रियल सब कुछ दिखाया जा रहा है, कोई जो चीज़ फेक नहीं है। अब मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ ड्रिल। जितनी मर्जी देर चलाएं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला, ये बड़ी बेहतरीन तरीके की भाई चीज़ बन गई है। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता आपको जो है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसने इसी तरह का इन्वर्टर दिखाया होगा। भाई ये इन्वर्टर जो है पहला मेड इन पाकिस्तान है समझ लें, जो कि हमने खुद बनाया है।
और ये प्योर बिल्कुल जो है प्योर साइन वेव है। अगर किसी ने इसकी प्योर साइन वेव या इसकी प्योर साइन वेव टेस्ट करनी है तो वो हमारे से ये किट मुकम्मल जो है बाय करके टेस्ट कर सकता है। अगर ये प्योर साइन वेव ना हो वो हमें वापस कर सकता है। 100% प्योर साइन वेव है, इसके ऊपर आप कोई भी लोड चलाएं आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों ये मुकम्मल पीसीबी आपको पता है हमें भेजी थी जेएलसी पीसीबी ने, तो जेएलसी पीसीबी की तरफ से ये आई है टोटली पीसीबी है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है उसको लाइक शेयर जरूर करना क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। तो लीजिए दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो इस इन्वर्टर के ऊपर। भाई मुझे जो है बहुत मेहनत हुई है, मेरा कम से कम 1-1.5 हफ्ता लगा इस इन्वर्टर को मुकम्मल रेडी करने में। तो आप लोगों का सिर्फ 1 सेकंड लग रहा है इस वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, क्योंकि इस तरह का इन्वर्टर मुझे नहीं लगता पूरे पाकिस्तान का है आपको मिलेगा जो एक जो है आपका डीसी वोल्टेज को एसी वोल्ट में कन्वर्ट कर दे और 2-3 से 4000 वाट तक का लोड उठा ले। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट किया जाए, इस वीडियो को कम से कम जो है मिलियन व्यूज दिए जाए, मिलियन व्यूज तक जाए, ताकि जो है मैं फिर इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊं। तो अगर इस वीडियो का आपने सपोर्ट किया, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो मैं इसके अंदर एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर लाइव 300 वोल्ट के डीसी सोलर पैनल या 5000-4000 वाट के सोलर पैनल इसके साथ अटैच करके बगैर बैटरी के इसके ऊपर लोड चला के दिखाऊंगा। सेम यही किट होगी, सेम ये सब कुछ होगा, इसके ऊपर पंखे, लाइट है, फ्रिज, एसी इसके ऊपर चलाकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सपोर्ट करना है, जैसे इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिला मैं अगली वीडियो ले आऊंगा। और उसके बाद जो मैं इसको जब आपको टेस्ट करवा दूंगा इसको सोलर पैनल के ऊपर, तो उसके बाद मैं इसकी एक और वीडियो जो है मैं बनाऊंगा किट जो कि होगी 8000 वाट की। 8000 वाट तक का घर का लोड चलाने के लिए आपको वो किट बनाकर दूंगा, बनाना सिखाऊंगा, उसके पीसीबियां होंगी हमारे पास, सब कुछ होगा। तो जैसे इसको सपोर्ट मिलेगा तो और वीडियोस इस तरह की आती रहेंगी। 8000 वाट तक की मैं इसकी मुकम्मल पीसीबी इस तरह की बनाने वाला हूं। तो इस तरह दोस्तों मुझे जो है सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।